हेलो एवरीवन, मैं मंजू। मेरे चैनल में आप लोग सभी को स्वागत है। गाइज गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोग ठीक हो और मैं भी बहुत बढ़िया खुश हूँ। चलिए गाइज, मैं आप लोगों को आज मेरा खुद का ट्रेडिंग मैं कैसे करती हूँ वो भी ना गाइज बिना ठेट के मैं आज आप लोगों को ये देखिए सुई धागा से थ्रेडिंग कैसे करते हैं, आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और गाइस, आप लोग ना मेरा ये वीडियो देख के मैं आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करती हूँ आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे ना गाइस, तो आप लोग खुद घर में ही थ्रेडिंग कैसे करते हैं सीख पाएंगे, है ना गाइस। चलिए गाइस, बिना स्किप किए हुए ही मेरा ये वीडियो देखिए, ठीक है ना गाइस। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और गाइस, ये थ्रेड को हम लोग नॉर्मली ऐसे लेते हैं ना गाइस, ऐसा नहीं है, इस कोना में यहाँ पे कट कर दिया। अभी देखिए गाइस, इसको मैं यहाँ पे एक गांठ बांध लूंगी। ये देखिए, गाइस मेरा तबीयत मतलब कुछ दिन से मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं है, कभी ठीक होता है कभी क्या होता है, और इसलिए गाइस मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना सक रही हूँ, बना पा नहीं रही हूँ। कभी तबीयत इतना खराब हो जाता है कभी ठीक होता है, ऐसा ही हो रहा है। अभी भी मुझे ना सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसा हो रहा है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को मेरा खुद का थ्रेडिंग कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिंदी को हटा लिया मैंने यहाँ पे। अभी देखिए गाइस, मेरा आईब्रो ना बहुत बहुत पतला है। अभी करने के बाद ना आप लोग देखिएगा एक मैजिक, है ना, जादू, मतलब मेरा ना शेप निकल के आएगा। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरा आईब्रो इतना घना घना क्यों है, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को मेरा थ्रेडिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, पहले आप लोग ना आईब्रो को थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिएगा। मैंने पाउडर नहीं लगाया है, मैं थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे क्रीम लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्रीम लगा के करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, क्रीम, अभी मैं इसको थोड़ा सा ही लूँगी। ये देखिए, अभी इसमें आईब्रो के नीचे मतलब क्या होता है ना गाइस, क्रीम लगाने से आईब्रो पूरा सॉफ्ट हो जाता है ना यहाँ स्किन, और तभी थ्रेड लगाने से क्या होगा, पटपट निकल जाएगा, फटाफट निकल जाएगा, तो हमको दर्द भी नहीं होगा, है ना गाइस। और गाइस, मैंने इससे पहले भी मेरा खुद का आईब्रो थ्रेडिंग मैं कैसे करती हूँ थ्रेड से मैंने आप लोगों को दिखाया है, और आज मैं नॉर्मली सुई धागा से भी हम लोग घर में थ्रेडिंग कर सकेंगे, इसलिए मैं आज आप लोगों को सुई धागा से कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए मेरा आईब्रो ना कितना पतला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मुझे ना गाइस ज्यादा पतला भी करना नहीं है, और ज्यादा ऐसे तो मेरा घना है ही नहीं है, तो फिर भी मुझे ना पतला करना नहीं है। और मैं करने के बाद आप लोग देखिएगा गाइस, मेरा ना आईब्रो पूरा सेड हो जाएगा और घना घना दिखेगा, ठीक है। अभी मैं ऊपर का भी कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, जितना हो सके गाइस मैं आप लोगों को ऐसे करके ही दिखाती हूँ, ठीक है।
गाइस देखिए, खुद का ट्रेडिंग करना थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे करके पकड़ नहीं पाते हैं ना, थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा ही। कोई बात नहीं है, खुद का ट्रेडिंग खुद करने का मज़ा ही अलग है गाइस। आप लोग देखिए घर में, आप लोग खुद अगर टाइम नहीं है, है ना, पार्लर जाने का टाइम नहीं है, अगर देखिए डिस्टेंट बहुत दूर है पार्लर का, तो किसी का बुलाना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। कितना दिक्कत होता है, किसको बुलाऊँ, कहाँ जाके ट्रेडिंग करूँ, है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइस, आप लोग खुद ही घर में सीख लीजिए, खुद का काम खुद ही कर लीजिए। आप लोग खुद ही ट्रेडिंग करेंगे तो पता चलेगा कैसा होगा, आपका मनपसंद से आप लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे ना गाइस। अगर हम लोग पार्लर में जाते हैं ना, कोई कोई लोग मनपसंद का ट्रेडिंग कर ही नहीं देता है, कहीं कहीं से उड़ा देता है, कहीं से वो एकदम पतला बना देता है, कहीं से शेप अलग बना देता है ना। तो इसलिए आप लोग खुद ही घर में ट्राई करेंगे और सीखेंगे तो खुद का मन पसंद, मतलब जैसा सेब हो ऐसा आप लोग दे सकेंगे और कर भी सकेंगे, है ना गाइस। चलिए मैं ट्रेडिंग आप लोगों को अभी बिना बात किए हुए ही मैं आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करते हैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे पकड़िएगा, हाँ एक हैंड इस हाथों से आप ऐसे पकड़िए और इस हाथों से आप ऐसे पकड़िए, ठीक है। और अभी देखिए ऐसे कर लीजिए, हाँ जैसे कि मैं कैची चला रही हूँ ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ही चला रहिएगा, ठीक है। अभी ऊपर का गाइस मेरा इतना तो ट्रेडिंग नहीं है ना, पतला है, फटाफट से हो जाएगा, और फोरहेड में तो है ही नहीं है। देखिए ना गाइस, जैसे कि हम लोग ना गाइस कैसे जैसे चलाते हैं ऐसे ही चलाना चाहिए, ठीक है। और मेरा इतना करने का वो भी नहीं है, थोड़ा सा ये हुआ है, ये देखिए गाइस, और नीचे का थोड़ा थोड़ा है, छोटे छोटे मैं वो कर लेती हूँ। एकदम ध्यान से कीजिएगा गाइस, क्योंकि ना ऐसा होता है हम लोग इधर पकड़ नहीं पाते हैं ना गाइस, तो क्या होता है ये तो एकदम लूज होता है ना, लूज हो जाता है, और इसलिए ये चीज ना हम लोगों का ये पार्ट हम लोगों का बहुत सॉफ्ट रहता है ना गाइस। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग कीजिएगा, अगर हम किसी और का करें तो वो कोई रहता है ना ऐसे पकड़ने के लिए, तो हम खुद का तो खुद पकड़ नहीं पाते। तो गाइस आप लोग ना पूरा ध्यान दे के ही करिएगा, तो मतलब धीरे धीरे कीजिएगा, कोई बात नहीं, देर होने से भी है ना 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा देर तो नहीं होगा। ये देखिए, नहीं तो हम लोग का क्या होता है ना, एकदम लूज हो जाता है ना गाइस, तो धागे में ना हम लोग का ये जो स्किन है ना वो छिल जाता है, तो इसीलिए आप लोग पूरा ही ध्यान से कीजिएगा। Thank you.
ये देखिए गाइस, मैंने दोनों ही आईब्रो बना लिया है। अभी देखिए, पहले था ना एकदम है ही नहीं था, मेरा आईब्रो दिखता ही नहीं था। अभी देखिए गाइस, कितना सुंदर से बना दिया। देखिए गाइस, पहले तो मेरा आईब्रो दिखता नहीं था ना, है ना। अभी देखिए, आईब्रो करने के बाद, आईब्रो थ्रेडिंग करने के बाद, ये देखिए थोड़ा थोड़ा काटना है मेरा, ये इतना काटना तो है ही नहीं है। पहले मैं काटती रहती हूँ ना गाइस, तो इतना है ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाती हूँ, मेरा काटने के लिए तो ज़रूरत है नहीं है। अगर थ्रेडिंग ऐसे करेंगे फिर बाद में आप लोग कट करेंगे, है ना। और थोड़ा सा ये मसल्स क्रीम लगा के, थोड़ा सा मसल्स क्रीम लगा के मसल्स कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए मेरा आईब्रो थ्रेडिंग करके हो गया है। और गाइस ये देखिए, मुझे थोड़ा सा बीसेप अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बीसेप कर दिया है। ये देखिए, अगर मेरा आईब्रो थ्रेडिंग आप लोगों को, मेरा क्या हुआ तरीका, आप लोगों को अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, है ना गाइस। और गाइस, और आप लोग जो मेरे चैनल में नए नए हैं, नए नए वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। आप लोगों का साथ मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो गाइस, ठीक है। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, आज के लिए बाय बाय।